छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार की दोपहर एक हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। गुस्साए परिजनों ने समता कॉलोनी के इस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में मोमिन पारा इलाके की रहने वाली एक युवती को एक एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मौके पर आजाद चौक थाना पुलिस पहुंची। लोगों के उग्र होने पर छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स भी बुलानी पड़ी। मृतका के परिजनों ने बताया कि मूक बधिर युवती को बचकर 21 दिन में एक इंजेक्शन लगाया जाता था। यह दवा इसी अस्पताल के डॉक्टर ने लिखी थी। युवती दवा लेकर आई और अस्तपाल के कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर बाद युवती बेहोश हो गई। परिजनों ने इसकी जानकारी डॉक्टर को दी। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। परिजन आमिर हैदर ने बताया कि हम मान रहे हैं कि युवती दवा लेकर आई, मगर डॉक्टर को देखना चाहिए था। जानवर का इंजेक्शन लेकर आ जाए तो क्या डॉक्टर लगा देंगे। दिन भर मचे इस हंगामे के दौरान लोगों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। काफी देर तक पुलिस ने लोगों को समझाया। इसके बाद डॉक्टर को आजाद चौक थाने ले जाया गया। इतने में मोमिन पारा के एक युवक ने हॉस्पिटल को बोर्ड तोड़ दिया। इससे आसपास के अन्य अस्पतालों से डॉक्टर भी वहां जमा हो गए। अब डॉक्टरों ने भी पुलिस से दो टू कहा कि तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे।